धर्म परिवर्तन से क्या हिंदुस्तान के सॉवरेंटी पर कोई खतरा है, हम ये प्रश्न करना चाहते हैं। जहाँ जिसको मन चुकी है तो धर्म निरपेक्ष राज्य है, देश है, यहाँ अपने मन के अनुसार धर्म पालन करना, धर्म प्रचार करना, ये सब स्वतंत्रता है। तो वैसी परिस्थिति में कौन कहाँ जा रहे हैं, ये कोई समस्या का विषय मेरे समस्या नहीं है। अगर कहीं गलती है तब ना छोड़ के जा रहा है, आप मान मर्यादा नहीं दे रहे हैं, आपके यहाँ विकास संभव नहीं है, आप छुआछूत अछूतशाली की बात आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन पर बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का ये बयान बिहार की गया से आया है, जहां शहर के नगर प्रखंड के नैली पंचायत के बेलवा टाड़ गांव में करीब 125 महादलित परिवारों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। महादलित बस्तियों में रह रहे लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर क्रॉस का निशान भी लगा रखा है। 125 महादलित परिवारों की धर्म परिवर्तन पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपना समर्थन देते हुए जो कुछ भी कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। धर्म परिवर्तन से क्या हिंदुस्तान के सॉवरेंटी पर कोई खतरा है, हम ये प्रश्न करना चाहते हैं। जहाँ जिसको मन चुकी है तो धर्म निरपेक्ष राज्य है, देश है, यहाँ अपने मन के अनुसार धर्म पालन करना, धर्म प्रचार करना, ये सब स्वतंत्रता है। तो वैसी परिस्थिति में कौन कहाँ जा रहे हैं, ये कोई समस्या का विषय मेरे समस्या नहीं है। इसका मतलब है ना कि जिस घर में हम हैं, अगर घर में मान मर्यादा इज्जत नहीं है और कहीं दूसरे जगह मान मर्यादा इज्जत मिल रही है, तो स्वाभाविक लोग जा रहे हैं। इसलिए जिस घर में हम हैं उस घर के मालिक को समझना चाहिए कि आखिर क्यों जा रहे हैं। ये उनकी नादानी है या उनकी कमजोरी है कि घर से बाहर कर रहे हैं। कहा गया कि रहमन नसुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करे जाहि निकारो गेह ते कसन भेद कही, कहा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ कर रहे हैं कि क्यों आखिर छोड़ के जा रहे हैं, हमको सोचना चाहिए। अगर कहीं गलती है तब ना छोड़ के जा रहा है, आप मान मर्यादा नहीं दे रहे हैं, आपके यहाँ विकास संभव नहीं है, आप छुआछूत अछूतशाली की बात आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वो कोई खतरा नहीं है देश के सॉवरेंटी पर। धर्म विशेष की बात हो सके तो जब जब धर्म लचीला हुआ है तब तक उस धर्म का प्रचार हुआ है, और जब जब धर्म रिजिड हुआ है तब तक उस धर्म का नाश हुआ है। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हम लोग ये सब जानते हैं। तो जहाँ तक अभी हिंदू धर्म का सवाल है, अब 70 वर्ष आज़ादी के हो गए, अभी भी जात पात छुआ छीत ऊंच नीच सारी बात है। अब बिहार का चीफ मिनिस्टर कोई मंदिर में जाता है और मंदिर धोवाता है, तो आखिर क्या है भाई, ऐसा वो मंदिर है? उस मंदिर में अगर ये जाना जाता तो वो आदमी जाता भी नहीं, वहाँ पर पेशाब करने के लिए भी नहीं जाता। लेकिन जब ऐसा कर रहा है लोग, तो आखिर क्या कर लोग सोचेगा। इसलिए जो धर्म के पुजारी हैं या धर्म के जो अपने को समझते हैं कि हम ये हैं, अपने में सुधार लाने का प्रयास करें, तभी धर्म नामांतरण रुकेगा। उनको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, मान मर्यादा नहीं मिल रही है, विकास नहीं देख रहे हैं, तब ना वैसा कर रहे हैं। आज झारखंड का उदाहरण हम लोग देते हैं, अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि जितना आदिवासी वहाँ जो धर्म परिवर्तन कर दिए तो आईएएस आईपीएस और सब गवर्नमेंट सर्विसेज में है, और जो हिंदू धर्म किया है वो बहुत कम है। तो कहने का मतलब कि वहाँ ज़्यादा सुविधा है, तब ऐसा किया है। आप भी हिंदू धर्म का अगर पुरोधा लोग हैं तो वैसे वैसे लोगों को उत्थान के लिए प्रयास कीजिए, ताकि उधर लोग ना जाए, आपके पास रह जाए। तो कमी तो यहाँ है, सुधारना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि धर्मांतर करने, बड़ी खराब बात हो रही है। गया के बेलवा टाड़ गाँव में धर्म परिवर्तन कर चुके लोग बताते हैं कि महादलित परिवारों को गांव के मंदिर में पूजा पाठ करने पर रोक है। वहीं इस धर्म के अपनाने से सभी लोग बहुत खुश हैं। बाजीपुर है, फिर यहाँ पंचायत। आप लोग कौन धर्म में चले गए? चल गए इस समस्या वाला धर्म में चल गए। क्यों चल गए? हम लोग को बहुत परेशानी था। मेरे बच्ची के 1 मई के शादी था, 6 मई के शादी था, अचानक एकदम गुम हो गया। भगत के पास गए, कुछ नहीं हुआ। बहुत भगत के पास गए, कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ में गए तो सही हो गया, ना दवा के जरूरी है ना दवा के जरूरी, बस यहाँ गए हम लोग सही हैं। कैसे इसके बारे में मालूम चला? मालूम चल गया सर, हम लोग जाते पता चला गांधी मैदान में। गांधी मैदान में भी चर्च होता है, बोधगया भी चर्च होता है, बहुत जगह चर्च होता है। जानते जानते हम लोग पहुँचे हैं, और कोई हम लोग के ले गया है नहीं, और ना कोई जोर जबरदस्ती से कोई यह वो किया है। हम अपन मन से गए हैं, गए और हम लोग के भलाई हो गया, फायदा हो गया। कि देखिए सर, हम लोग बहुत परेशानी थे, भूत बैताल से बहुत परेशानी थे। भगत के पास जाते थे तो खर्चा बहुत ज़्यादा, काम
कुछ नहीं करता था, 2 महीना 1 महीना सही रहा, फिर वैसे हो गया। तो हिंदू के देवता देवी का हम लोग ना पूछते हैं। अब हम लोग के सर है ना कि कहीं देवी मारक भी जाते हैं ना तो हम लोग के ना ही हेले देता हूँ। तो उससे अच्छा हमने के कहा पाती, उसे हम हेले देवे नहीं करता है तो हमने को उस चीज़ फायदा है ये ना, तो चलो भाई हम इस चीज़ में हेल जाते हैं। दूसरा मंदिर तो जा ही सकते हैं पूजा? दूसरा मंदिर में हम लोग कहाँ जाएंगे सर, जहाँ नजदीक पड़ेगा वहीं ना जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही है मंदिर नजदीक में, वहीं यहाँ पर आदमी रोक लगा देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों का मानना है कि घर के बाहर क्रॉस लगाने से भूत प्रेत उनके पास नहीं आएंगे। भाई भूत भूत अंगड़ के भी चलते हैं, बाहर बुखार के भी चलते हैं। लोग परिवर्तन, हाँ परिवर्तन करता है तो कथा शुरू करते हैं, कुछ दवाई वही नहीं, ऐसे अपने पढ़ते हैं। क्या है जो अंचे में लोग को फायदा मिल रहा हो, वो चीज अपना काम कर रहे हैं उसी को मान रहे हैं। यहाँ तो पूरा करीब करीब आधा ही है, यीशु जो बोलते हैं ना वही की पूजा करते हैं उन लोग। क्रॉस लगवाने हैं इसलिए कि हमको घर में भूत प्रेत जो ये सब तंग करता है तो हमारे घर में नहीं आएगा, प्रवेश नहीं करेगा। वहीं नैली पंचायत की मुखिया के पति ने कहा कि लोगों को बरगलाया गया है, गांव वालों को सुविधाओं का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। क्या सचमुच बेलवाटार गांव के लोग लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, या जैसा कि जीतन राम मांझी ने कहा, महादलित परिवार समानता की इच्छा रखते हुए धर्म बदल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।